मुस्लिम लीगल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा ओमती थाने में धर्मग्रंथ की आयतों को आतंकवाद से जोड़कर रिट याचिका लगाने पर आपत्ति जताते हुए एफआईआर दर्ज कराई गई। इस मामले में की गई शिकायत में बताया कि वसीम रिजवी के द्वारा पवित्र धर्म ग्रंथ के संबंध में भ्रामक प्रचार करने से पूरे समाज को आघात पहुँचा है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। शिकायत पर पुलिस ने वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। लीगल एंड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य और सभी पदाधिकारियों द्वारा वसीम रिजवी ने जो मुस्लिम धार्मिक किताब कुरान शरीफ है जिसकी 26 आयतों को आतंकवाद से जोड़ा है, इसके विरोध में मुस्लिम लीगल एंड वेलफेयर सोसाइटी ने ओमती थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उन्होंने जो 26 वसीम रिजवी ने जो कुरान की 26 आयतों को आतंकवाद से जोड़ा है, ये सरासर गलत बात है, क्योंकि कुरान शरीफ जो है पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है और उन्होंने जो हमारे आसमान से नाजिल किताब है और हमारे जो हमारे क्या कहते हैं धार्मिक किताब है इसके बारे में जो उसने भ्रामक जानकारियाँ फैलाई है, इसलिए मुस्लिम समुदाय में बहुत आक्रोश है और हम इसका खंडन करते हैं उसकी।